नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अपने अंदर। दोस्तों, जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती है, कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। परिस्थितियों को देखकर इंसान दोस्तों अपने डिसीजन बदल लेते हैं। कुछ लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं वो अपनी परिस्थिति को बदल देते हैं। ऐसा कौन सा गणित है, मैकेनिज्म है दोस्तों, जो हमारे जिंदगी को अच्छा कर सकता है और बुरा कर सकता है, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय की सीख दे सकता है। मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक कहानी दोस्तों बता रहा हूं, और इस कहानी को अगर आज आपने समझ लिया, ये मेरा वादा है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत ध्यान से अपने जीवन के नजरिए को बदलने के लिए वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि वीडियो नहीं है, ये ऐसा जीवन का सार है जो आपके जिंदगी में घटने वाली घटनाओं को किस नजरिए से देखना, कैसा दृष्टिकोण आपका होना चाहिए कि वो घटनाएं आपके लिए डिफिकल्ट ना हो के दोस्तों अवसर के रूप में बदल जाए, चैलेंज ना हो के वो चांस के रूप में बदल जाए, और आप किसी भी परिस्थिति को मुस्कुरा के उससे कैसा फायदा उठा सकते हैं। न कि अपने आप को कोस कर, न कि अपने आप को टेंशन और डिप्रेशन में ले जाकर अपने काम को, अपने समय और अपने पैसे और अपने रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनने का प्रयास करें। मुझे पूरा उम्मीद है कि कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। तो पूरा ध्यान से दोस्तों जुड़े, अंत तक इस वीडियो को देखना है। दोस्तों, दो सगे भाई रहते हैं। एक भाई बहुत इंटेलिजेंट रहता है और बढ़िया पढ़ लिखकर खूब सक्सेस, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत सफल आदमी रहता है, लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान जैसा लोग उसे पूजते हैं, बहुत उसकी पूजा होती है, बहुत उसको मानते हैं, बहुत उसको सम्मान देते हैं, हजारों लोग उसके दीवाने रहते हैं, उसके उसको मान सम्मान इतना ज्यादा समाज में रहता था, उसका नाम ले लो तो काम हो जाए। और उसका सगा भाई बिल्कुल अपोजिट, दिन रात दारू पीता है, पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है, एक एक पैसे के लिए तबाह रहता है, और बहुत टेंशन में जिंदगी उसकी रहती है, और उसके परिवार के लोग भी, उसके पत्नी और बच्चे भी निसंदेह बहुत परेशान रहते हैं। एक बार एक पत्रकार जाता है और अपने उस सक्सेस वाले व्यक्ति से पूछता है, सफल व्यक्ति से पूछता है कि क्या बात है, आप इतने सफल कैसे हो गए। तो कहता है मुस्कुरा के कि भाई मैं अपने पिताजी के कारण सक्सेस हो गया, मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरणा दिया, मैं सफल हो गया। उस पत्रकार ने कहा कि कैसे प्रेरणा मिली, किस प्रकार की प्रेरणा आपको पिताजी ने दिया। तो सफल व्यक्ति ने कहा कि देखिए, हमारे पिताजी बहुत दारू पीते थे, बहुत शराब पीते थे, तो दिन भर काम करते थे और शाम को खूब सारा शराब दारू पीकर खाते थे, और घर में भी दारू पीते थे, और फिर हमारी मम्मी को खूब मारते थे, घर के बर्तन फोड़ डालते थे, हम लोगों को भी मारते थे, खूब सारी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते थे, मतलब वो दो वक्त की रोटी भी हमारे लिए हराम जैसी होती थी, और हम लोग और हमारी मम्मी के साथ हमेशा, मैं बचपन से लेकर जब तक अच्छा खासा बड़ा हुआ, 12वीं तक ग्रेजुएशन तक पहुंचा, रोते रोते ही हमारा जीवन बीता है। उसी समय मैंने ये संकल्प ले लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं अपने पिताजी जैसा नहीं बनूंगा। तो मुझे ये प्रेरणा तो अपने पिताजी से मिली। तो पत्रकार एक दिन जाता है उसके सगे भाई के साथ, जो खूब दारू पीता है, खूब घर में तोड़ फोड़ करता है और गाली गलौज करता है। उसको पूछता है कि आप इतने गाली गलौज वाले कैसे हो गए, जबकि आपके भाई तो इतने सफल हैं, सक्सेस हैं। उस आदमी कहता है कि मुझे अपने पिताजी से प्रेरणा मिली। तो पत्रकार कहता है, कैसे प्रेरणा मिली आपको पिताजी से। वो आदमी कहता है कि देखिए, मेरे पिताजी काम करते थे, दिन भर बाहर भी दारू पीते थे, और घर में भी आके दारू पीते थे, वो घर में भी दारू की बोतल रखते थे, तो मैं चोरी छुपे उनकी बोतल से एक एक ढक्कन दारू पी लेता था, और धीरे 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 मुझे भी पिताजी जैसा दारू पीने की आदत लग गई, और चूंकि पिताजी मम्मी को गाली देते थे, हम लोगों को भी गाली देते थे, तो मैंने पूरी गालियां भी सीख ली, अब मुझे पिताजी जैसी बिल्कुल आदत पड़ गई है, और मैं भी गाली देता हूं, और लोगों के साथ बिल्कुल वही बर्ताव करता हूं जैसे मेरे पिताजी करते थे। गेटिंग माय पॉइंट। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, दोनों एक सफल और एक असफल व्यक्ति का जो सोर्स ऑफ पॉइंट है, दोनों एक ही जगह है। क्या है, दोनों एक ही जगह। आपके जीवन का जो नजरिया होता है किसी भी घटना को, किसी भी इंसिडेंट को देखने के लिए, यही दोस्तों डिसाइड करती है कि आप सफल होंगे कि आप असफल होंगे। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप ये सोचे कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं, दूसरा कि आप ये सोचे कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे डुबा सकती है। ये दोस्तों बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एक घटना और दोस्तों इसी में ऐड करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। राम और श्याम दो दोस्त रहते हैं, दोनों बिजनेस प्लान करते हैं। तो राम कहता है कि मैं एक व्यापार करूंगा, बिजनेस करूंगा भैंस का। तो श्याम भी बोलता है, चलो ठीक है, हम भी भैंस का बिजनेस करेंगे। दोनों एक एक लाख रुपए जमा करते हैं और जमा करके बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करते हैं, राम और श्याम दोनों।
और जिस दिन भैंस खरीदने जाने के लिए रहता है तो राम आता है पैसे लेकर और बहुत देर तक शाम का इंतजार करता और श्याम वापस नहीं आता, जबकि वो भी आने वाला था पैसे लेकर। राम जाता है भैंस खरीदता है, भैंस खरीद के एक भैंस से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से दस, फिर वो शहर चला जाता। शहर उसका व्यापार भैंस का खोए का दूध का पनीर का खूब फैल जाता उसका व्यापार और बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला खरीद देता है। एक दिन राम गांव घूमने आता है तो उसको श्याम मिलता है, उस श्याम को पहचान जाता है और राम जाता है श्याम के पास। भाई श्याम तू आया नहीं उस दिन जब हम लोग भैंस खरीदने जा रहे थे। श्याम ने कहा कि हाँ यार मैं पैसे भी अरेंज हो गए थे, मैं आती रहा था, लेकिन हमारे घर वालों ने कहा कि अगर भैंस मर गई तो। तो ये दोस्तों परसेप्शन हमारे लाइफ का, श्याम का परसेप्शन था कि भैंस मर गई तो इसलिए उसने बिजनेस नहीं किया, इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। राम ने ऐसा कुछ सोचा नहीं, राम ने सकारात्मक सोचा कि मैं एक भैंस से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से बीस, पच्चीस, पचास करूंगा। आपके जीवन में जब कोई घटना घटती है तो उससे आप क्या सीख लेते हैं? आप पिताजी से सीख कर दारू पीना सीख लेते हैं या पिताजी को देखकर दारू पीना छोड़ देते हैं, ये कंप्लीटली आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर डिपेंड है। और ये बुद्धिमत्ता, ये परसेप्शन समझने की ताकत ईश्वर ने आपको दी है। अपनी अंतर आत्मा से जवाब पूछेंगे, अपनी अंतर आत्मा से बात करेंगे, ये सारे जवाब दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगे। तो हमारे जिंदगी में जो घटनाएं घट रही थी वो क्यों घट रही थी, ये आज दोस्तों आपको समझने की बात है। आपके पास पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके नातवात, आपके रिश्तेदारों में, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कोई घटना घटती है, आपके पिताजी आपको डांट रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है क्या मेरे पिताजी या मेरी मम्मी आपको डांट रहे थे, क्या मेरी मम्मी मेरी दुश्मन है, क्या ये मेरा बुरा चाहती है, क्या ये मुझे तकलीफ देना चाहती है, क्यों डांट रहे हैं, क्यों आपको बोल रहे हैं, ये दोस्तों समझने की आवश्यकता है। ये बात तो श्योर है कि आपके पिताजी आपके दुश्मन नहीं है, आपकी माँ आपके दुश्मन नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपका हित चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे मार्ग पर देखना चाहते हैं, अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति देखना चाहते हैं। इसलिए जब आपके अंदर कोई कमी दिखती है तो आपके माता पिता आपको डांटते हैं। कुछ लोग उस डांट का सकारात्मक नजरिया ढूंढते हैं और सफल हो जाते हैं, कुछ लोग उस डांट का नकारात्मक दृष्टिकोण देखते हैं और माता पिता से बात करना बंद कर देते हैं और उनसे दूरियां बना लेते हैं। वो माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, एक एक अक्षर बोलना सिखाया, ऐसे माता पिता से दोस्तों हम दूर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो आपको आज ये समझने की आवश्यकता है, जब कोई घटना घट रही तो उससे हम सीख कैसा लें, ये आपकी बुद्धिमत्ता है, ये आपकी बुद्धिमानी है, इस पर बहुत आप लोग गौर करें। आपकी पत्नी आपको कुछ कह रही है कि आप बहुत खर्चा करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी पत्नी कह रही है आप बहुत पैसा बर्बाद करते हो, बहुत खर्चा करते हो, या आपको खर्चा करने से रोकती है, या कोई भी रोक टोक आपके जीवन में कर रही है, तो इस पर दोस्तों आपको विचार करने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों बोल रही, क्या आपकी दुश्मन है, क्यों बोल रही हूँ ऐसा। तो आप जब एक बार विचार करेंगे दोस्तों तो मुझे पूरा उम्मीद है इसमें कोई ना कोई सकारात्मक दृष्टिकोण निकल कर सामने आएगा। दूसरा नजरिया है कि आप उनसे लड़िए, दिन अपना बर्बाद कर लीजिए, रिश्ते अपने बर्बाद कर लीजिए। फिर मैं पॉइंट, एक दूसरे को जब हम समझते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। कहते हैं दोस्तों कि तुलसीदास तुलसीदास बन गए, क्यों बन गए, क्योंकि जब तुलसीदास को उनकी पत्नी ने डांट कर भगा दिया, रात को अषाढ़ के रात को छकाछक पानी बरस रहा है, तुलसीदास सोचिए नदी को पार करके, हम मुर्दे पर चढ़कर नदी पार कर लेते हैं, सांप को रस्सी समझकर घर पे चढ़ जाते हैं और पत्नी से अपने मिलने जाते हैं और उनकी पत्नी उनको डांट कर भगाती है कि अगर इतना प्रेम अगर प्रभु से कर लो तो आपको साक्षात प्रभु मिल जाएगा। सोचिए वो बात का सकारात्मक असर तुलसीदास जी के ऊपर हुआ और तुलसीदास हो गए। यही जीवन हमारे और आपके बीच में निर्भर करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनको प्यार में धोखा मिला, उनकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई या उनकी बॉयफ्रेंड छोड़कर चले गए। अब दो नजरिया है, छोड़कर चले गए तो फांसी लगा लो, पढ़ाई छोड़ दो या बर्बाद हो जाओ। दूसरा नजरिया कि अपने आप को ऐसा प्रूफ करके दिखाओ कि जो छोड़ कर गया उसको बाद में पछतावा हो, हमने किसको छोड़कर हम चले गए। और ये दोनों घटनाएं दोस्तों कॉलेज लाइफ में प्रत्यक्ष हमने देखे बहुत सारे दोस्तों के साथ होते हुए कि कुछ की गर्लफ्रेंड छोड़कर गई, वो बिल्कुल बहुत शानदार लाइविश लाइफ जी रहे हैं, मर्सिडीज और ऑडी में चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ है दोस्तों उनको छोड़ कर गए तो उनका करियर भी बर्बाद हो गया, उनका जीवन भी बर्बाद हो गया। चॉइस आपकी है, आप कमेंट में बताइए कि आज से किसी भी घटना को लेकर कैसा नजरिया आप रखेंगे। कमेंट करिए, यहाँ पर कमिटमेंट करिए, संकल्प लीजिए कि सर हम सकारात्मक नजरिया रखेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, कंस्ट्रक्टिव माइंड रखेंगे, डिस्ट्रक्टिव नजरिया नहीं रखना है। जब भी आप निर्णय लेंगे तो आपको कुछ चीजें सोचना है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं क्या इससे मेरा खुद का भला है,
क्या इससे मेरे परिवार का भला है, क्या इससे मेरे समाज का भला है, क्या इससे मेरे राष्ट्र का भला है। तो जो भी निर्णय हो उसमें किसी न किसी का भला छुपा होना चाहिए। कभी भी दोस्तों इस तरीके का डिसीजन ना लें कि आप भी बर्बाद हों और अपने परिवार को भी बर्बाद करें, बच्चे को भी बर्बाद करें, करियर बर्बाद हो जाए लोगों का। एक व्यक्ति सुसाइड करता तो एक व्यक्ति नहीं मरता है, एक व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसके परिवार के जितने लोग हैं वो तिल तिल करके मरते हैं। एक दिन में नहीं मरते हैं, रोज मरते हैं। जब जब आपका पिक्चर, जब जब आपकी फोटो, जब जब आपका नाम उनको याद आएगा तब तब तिल तिल करके मरेंगे। आपका एक डिसीजन इस समाज में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में दोस्तों एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है। डिसाइड दोस्तों आपको करना है कि क्या सीख आप लेते हैं अपनी जिंदगी की होने वाली घटनाओं से। सो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज यहाँ पर सभी लोग संकल्प लेंगे कि एक सकारात्मक नजरिया रखेंगे और वो नजरिया, वो डिसीजन लेंगे जिससे किसी न किसी का भला अवश्य होना चाहिए। सो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज की कहानियां, ये सीख आप लोग जीवन में कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग संकल्प लेंगे, कमिट करेंगे कि सर आज से हम संकल्प ले रहे हैं कि हम सकारात्मक निर्णय किसी भी घटना को देखकर लेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक के बटन नीचे फटाफट लाइक कर दें और 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर लोगों की परवाह करते हैं, लोगों की जिंदगी में खुशियां परोसना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, इस वीडियो को दोस्तों कम से कम 10 लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब की बटन है, सदस्यता ले बिल्कुल दबा दीजिए सब्सक्राइब की बटन, और घंटी, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है बेल आइकॉन घंटी को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आप सभी को आए, मैसेज आ जाएगा, पता चल जाएगा कि मैंने कोई वीडियो डाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ, नए ज्ञान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।